Friends, now I am going to explain here law of series combination. Series combination. बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या का लॉ क्या है वो आपको बहुत समझना जरूरी है। बेटा सपोज दैट दिस इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच थ्री रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस इज आर वन, सेकेंड रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस इज आर टू एंड थर्ड वन इज आर थ्री। ओके बेटा दैट इज अ बैटरी, दिस इज अ की, दैट इज अ मीटर। ओके अब बेटा इसके इन ये दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाइए जो बी वन बताएगा, और यहाँ इनके बीच में लगाएंगे ये बी टू। ओके बी वन बी टू, और यहाँ पर जो बेटा वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे ये बी थ्री बताएगा, वोल्टेज बताएगा। इन सभी रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस डिफरेंट है, सपोज कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि बेटा इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो सम होगा इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस ऑफ ईच रेसिस्टर। मतलब प्रत्येक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का सम ही टोटल रेसिस्टेंस होगा किसका, पूरे सर्किट का। तो हम कह सकते हैं यहां पे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिस्टेंसेस, सम ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंसेस है उनका सम क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो वी कैन से दैट आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो ऑन। ओके दिस इज द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको इस पूरे सर्किट का अगर हमें क्या फाइंड करना है, रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस कितना है वो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कहलाता है, या इसे कंबाइंड रेसिस्टेंस कह सकते हैं, या इसे टोटल रेसिस्टेंस कह सकते हैं, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कह सकते हैं। कितने नेम मैंने बताए, इक्विवेलेंट कंबाइंड टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बात एक ही है। ओके इनकी वैल्यू जो होगी पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ रेसिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। जो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स लगे हुए हैं इनका रेसिस्टेंसेस का सम ही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो यही आप अगर राइट करेंगे यहां पर कि अगर इन एग्जाम में आस्क क्वेश्चन लाइक दिस वे स्टेट द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन देन यू राइट दिस वन लाइन। ओके ड्रा दिस डायग्राम एंड राइट दिस फार्मूला आल्सो। ओके यस या नो देन योर आंसर कंप्लीटेड। गॉट इट नाउ बेटा
सेकेंड थिंग समझिए यहाँ पे बेटा, इस लॉ को आपने क्लियर कर लिया होगा। अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको माइंड में रखना है, वो क्या है देखिए। अगर हम बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे टू रेसिस्टर सप्लाई हो या 100 रेसिस्टर सप्लाई हो, करंट की वैल्यू प्रत्येक रेसिस्टर से इक्वल अमाउंट में ही फ्लो होगी। यहां से अगर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो प्रत्येक रेसिस्टर से 2 एम्पियर करंट फ्लो होकर के इधर से आएगा। ओके बेटा, तो जितना ये आमीटर में वैल्यू शो होगी, चाहे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो भी करंट की वैल्यू इसमें शो हो रही है, समझिए उतना करंट ईच रेसिस्टर से फ्लो होके जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि बेटा नोट नंबर 1 ये है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब 2 या 2 से अधिक रेसिस्टर सीरीज में कंबाइन होते हैं, तो ईच रेसिस्टर के पास करंट का अमाउंट हमेशा कैसा रहता है, इक्वल। अब मान लीजिए यहाँ करंट I1 है, इधर करंट I2 है, इधर करंट I3 है, और यहाँ पे जो करंट शो हो रहा है वो कितना है I, तो I की जो वैल्यू होगी वो I1 I2 I3 के इक्वल होगी। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी रेसिस्टर की वैल्यू, रेसिस्टेंस कितनी भी अलग अलग हो, पर करंट सबसे कैसा जाएगा, इक्वल। कैसा जाएगा, इक्वल। ओके, तो इस किसी भी रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहे इसकी 2 ओम हो या इसकी 100 ओम हो या इसकी 20 ओम हो, इनके रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन करंट की वैल्यू इनमें से कितनी जाएगी, सेम। अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो सभी से कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्लियर बेटा। अब बेटा सेकेंड पॉइंट समझिए, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर मैंने अप्लाई किए हैं, लगाए हैं, कनेक्ट किए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब यहाँ पे आप सपोज करिए R1 की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं, R1 की वैल्यू सबसे कम है, R2 की वैल्यू उससे ज्यादा है, R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये ऑर्डर है यहाँ पे। करंट की वैल्यू सब में बेटा ध्यान रखिए I1, I2, I3 कैसी है, इक्वल है, करंट सब में इक्वल फ्लो हो रहा है। अब मुझे बता दीजिए ये B1 की वैल्यू कैसी होगी, आप मुझे बताइए। B=B1 निकालना है तो I into R1 अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यस या नो, तो मुझे बताइए R1 कम है, सबसे कम है, I सब में इक्वल फ्लो हो रहा है, तो मुझे बताइए B1 कैसा आएगा, यहाँ मोर आएगा या लेस आएगा, लेस आएगा। तो हमारे B2 ऐसे निकालेंगे I into R2, यस या नो, B3 फाइंड करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, I into R3, यस या नो, क्लियर। अब बेटा आपको पता होना चाहिए B1 की वैल्यू सबसे कम आएगी, यस या नो, B2 की वैल्यू उससे ज्यादा रहेगी, B3 की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। तो वोल्टेज सबसे ज्यादा किसको यहाँ पे मिलेंगे, B3 को, वोल्टेज मतलब PV सबसे ज्यादा किसका होगा, हाँ, तो ये वाला डिवाइस जो होगा ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, जिसका PV ज्यादा है, और ये वाला डिवाइस जो है सबसे वीक काम करेगा, यस या नो बेटा, क्लियर। जिसका वोल्टेज, जिसके पास वोल्टेज कम, वो समझिए बहुत बेकार वर्क करेगा, और जिसका वोल्टेज जिस पे ज्यादा है तो वो बेटा बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब ये भी ध्यान रखिए बेटा, अगर कहीं उसकी इसकी कैपेसिटी 220 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की मान लीजिए, और उसे मिल गए उससे भी ज्यादा वोल्टेज, तो वो डैमेज भी हो सकता है, यस या नो बेटा, हाँ,
अब एक चीज और आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बेटा, ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं ये सभी के कैसे हैं, डिफर है, क्या है, डिफर। तो यहाँ पर जो अब मैं कहूँ कि बताओ टोटल वोल्टेज कितने हैं, टोटल पीडी कितना है, तो टोटल पीडी हम अगर फाइंड करने लगे तो बेटा इन इंडिविजुअल पीडीज को क्या करना पड़ेगा, ओके, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर टोटल पीक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओके। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर अप्लाई कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू शो करेगा वो इन तीनों की वैल्यू का सम होगा इसमें, यस या नो बेटा। तो मुझे बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या ईच रेसिस्टर पे वोल्टेज इक्वल रहते हैं या अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल। और इसीलिए सीरीज में सभी डिवाइस एक जैसा वर्क नहीं करते हैं, ओके, क्लियर। और ये क्वेश्चन पूछा था मैंने एग्जाम में कि अगर तीन बल्ब बेटा उसमें है, किसमें, पैरेलल में है, कैसे है, पैरेलल में कंबाइन है, मैंने पैरेलल का पूछा था, और तब मैंने पूछा था पैरेलल में कंबाइन है क्या बेटा एक अगर डैमेज हो जाए तो बाकी वर्क करते रहेंगे, तो उसमें करते रहेंगे पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में करते रहेंगे, पर अगर सीरीज में कंबाइन हो और बेटा अगर इनमें से एक, जैसे मान लीजिए ये बल्ब ए है, ये बल्ब टू है, ये बल्ब थ्री है, तो अगर ए डैमेज हो जाए तो बाकी में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जाएगा तो इसी रास्ते से, तो वो डैमेज हो गया, अब क्या हुआ यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो इसके खराब हो जाने से बाकी दोनों की वर्किंग भी स्टॉप हो जाएगी, यस या नो। तो बेटा कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट वैल्यू इन फ्लो थ्रू द ईच रेसिस्टर इज सेम, इज सेम या रिमेन सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बिटवीन इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट, ओके। आपका जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के ऊपर जो पीडी होगा, इनके बीच में जो पीडी होगा वो सभी रेसिस्टर के बेटा क्या होगा वहां पर डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे जो टोटल पीडी आएगा वो V1 प्लस V2